अब उपखंड ख स्टार्ट हो गया। उपखंड ख मेरे प्यारे बच्चों, इसमें केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। किसके प्रश्न रहेंगे? तो केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्न नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 9 से, क्योंकि प्रश्न नंबर 9 से कराऊ, 8 से। प्रश्न नंबर 7 तो यहाँ खत्म हो गया, 8। कह रहा है कि एंटीमनी है। अब इन चारों ऑप्शन में से बताना है एंटीमनी। देखो एंटीमनी जो होता है मेरे प्यारे, उपधातु कहलाता है। क्या कहलाता है? उपधातु होता है। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 होल ट्वाइस। PbNO3 होल ट्वाइस एकदम याद रखना, भूलना मत मेरे प्यारे बच्चों, PbNO3 होल ट्वाइस होता है। आगे अगर हम बात करें, 9 प्रश्न हो गया ना। प्रश्न नंबर 10वां देखो क्या है। प्रश्न नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मेरे प्यारे बच्चों, जिसका रेशियो 1:2 बनेगा वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये ट्रिक होता है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक से आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को छाट सकते हो। तो 1:2 मेरे प्यारे बच्चों इसका बन रहा है। देखो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, मतलब C2H4। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है। कि प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है, तो प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO होता है मेरे प्यारे बच्चों। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 11 का ए। 12वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों की एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम मेरे प्यारे बच्चों एथेनोइक अम्ल होता है। और यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। बात करें प्रश्न नंबर 13, तो एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र अगर MCl2 है तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो उसके ऑक्साइड का सूत्र MO होगा। क्या होगा? MO। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब उपखंड ग, अब उपखंड ग में मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। किसके? बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। 3 उपखंड आएगा ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी। अब प्रश्न नंबर 14 स्टार्ट होगा यहाँ से। क्या है? कि वृक्को का कार्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, वृक्को का कार्य क्या होता है? वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी। आपको भी मालूम है वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी। तो किडनी का कार्य क्या होता है? तो किडनी कार्य जो होता है उत्सर्जन का काम करता है। जैसे टॉयलेट जो होता है बाहर निकलता है, तो उत्सर्जन ही तो है, गंदगी को बाहर निकालता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो पत्तियों पर कलियां विकसित होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो बायोफिल्म में। कहां? बायोफिल्म में मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक है। ये प्रश्न तो सिंपल है कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल जी है। और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही आगे बात हम करें 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है कि दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, तो दो डीएनए तंतु अगर आपस में जुड़े होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसके कारण जुड़े होते हैं? तो हाइड्रोजन बंध के कारण जुड़े होते हैं। और यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न की अगर हम बात करें, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा में होता है। क्या यहाँ पे होता है? हाइड्रा में। और यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 18 का ए। आगे देखेंगे 19वां प्रश्न जो है कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, मतलब मेंडल आनुवंशिक जो नियम दिया था वो किस पौधे पे दिया था मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे उद्यान मटर। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किस पे? उद्यान मटर। आगे देखेंगे 20वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग जो मेरे प्यारे बच्चों शुक्रवाहिका नहीं होता है। शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो 20 का सी वाला ऑप्शन। अब आगे मेरे प्यारे बच्चों खंड ब स्टार्ट होता है और यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। और वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर के रहेंगे, उसमें भी सबसे पहले उपखंड क आएगा। क्या आएगा? उपखंड क आएगा। चलिए उसको देते हैं। उपखंड क का मतलब इसमें पहले फिजिक्स के प्रश्न रहेंगे। किसके? फिजिक्स के प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों रहेंगे। चलिए देखते हैं।